हेलो स्टूडेंट्स मैं सेल्फ भगवत सिंह मैं सेशन थर्ड का जी एडवांस का डिस्कस करूंगा अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट वन एंड ऑफ एन आइडियल स्प्रिंगिक्स टू दॉल एट दिन द एक्सेस ऑफ द स्प्रिंग टू द एक्स एक्सेस ए ब्लॉग ऑफ मास वन के जी इज अटैच टू द फ्री एंड आपको गिवन है ये जो वन के जी है दट इज योर वन के जी एन द फिगर एक्स के जो इक्वेशन गिवन है प्लस थ्री साइन टेन टी योर इक्वेशन गिवन ये जो पार्टिकल एस एच एम करेगा उसकी इक्वेशन गिवन है वेयर सेकेंड एंड एक्स इज इन सेंटीमीटर एन ब्लॉक ऑफ मास के जी एक कैपिटल एम गिवन है वो है थ्री के जी का थ्री के जी

थर्टी कॉस ओमेगा टी बेसिकली यहां पर omega आपको गिवन है वो है टेन ओके सो और भी है एक है का मतलब है कि t equal to zero पर इसकी जो वेलोसिटी है सॉरी थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड बिकॉज आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में गिवन है तो ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है क्योंकि कोस पॉजिटिव स्टार के अंदर तो इसकी वेलोसिटी वो ऐसे है दैट इज थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसका है वन के जी ब्लॉक अब जो दूसरा ब्लॉक है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी थर्टी सेंटीमीटर गिवन है थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड बट इसका जो वेट है वो है थ्री के जी तो आफ्टर कॉलेज स्टेक हो रहा है तो अपन को यूज करना पड़ेगा सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन तो स्टार्ट के अंदर देखें तो पी इनिशियल यदि मैं आई की टर्म में लिखूं तो वह है थर्टी इंटू वन आई कैप आई कैप ये तो आ गया मोमेंटम इस ब्लॉक का और थ्री के जी वाले का है माइनस में तो थ्री इंटू थर्टी माइनस ऑफ आई कैप ठीक है तो बेसिकली अपने पास तो मोमेंटम है इनिशियली ये अपने पास इनिशियल मोमेंटम आ गया माइनस सिक्सटी आई कैप तो फाइनल जो दोनों दो ब्लॉक मूव करेंगे वो कंबाइन होकर मूव करेंगे उसका मास हो जाएगा फोर के जी एंड लेट ये इस डायरेक्शन में मूव किया वेलोसिटी वी से तो अब आपको पहला पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी आफ्टर द कोलिजन तो देखो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपको कितने गिवन है टेन मैं इसको रब कर रहा हूँ इनिशियल गिवन है टेन ट इज ओमेगा और ओमेगा होता है के बाई एम एम है वन के जी वो आपको गिवन है टेन अब जो नया एंग्वेंसी है दैट इज के ब्लॉक टोटल हो गया फोर इट इज फोर ये अपने पास आ गया के बाई टू तो देट इज इक्वल टू फाइव ठीक है तो इसका आंसर आ गया फाइव और न्यू एम्पलीट्यूड न्यू एम्पलीट्यूड अपने पास ये इनिशियल मोमेंट में आपने यहाँ पर वैलोश डिफाइन कर लेंगे तो सिक्सटी इक्वल टू फोर वी आ गया अपने पास 15 दैट इज योर ओमेगा ठीक है ओमेगा गिवन है आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वेव का एक बहुत प्यारा सा पैराग्राफ है ए प्लेन प्रेशर पल्स ट्रायंगुलर इन सेप अप्रोच ए रिजिड वॉल एलोंग नॉर्मल एट स्पीड ऑफ फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड ये इसकी आपको वेलोसिटी दे रही है फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एटीक्वल टू जीरो एज सोन फिगर पिक प्रेशर इज हंड्रेड पासिकल बाय द वॉल गेट रिफ्लेक्टेड एंड प्रेशर नियर द वॉल गेट डबल क्वेश्चन में दे रखा गया कि जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो प्रेशर उसका डबल हो रहा है हाइट ऑफ द वॉल टू मीटर एंड विथ इज़ ऑल्सो टू मीटर ए डिटेक्टर ऑन द वॉल कैन रिकॉर्ड ए मिनिमम एक्सेज प्रेशर ऑफ सिक्सटी पास्कल ये बोला है कि एक डिटेक्टर लगा हुआ है वो तभी डिटेक्ट करेगा प्रेशर को वैन प्रेशर एक्सीड द दिक्सटीन जो अभी जो नॉर्मल प्रेशर है उससे यदि सिक्सटीन ज्यादा हुआ तो ही वो उसको डिटेक्ट करेगा अब ऑप्शन है इसके अंदर वैन फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्टर विल रिकॉर्ड द प्रेशर तो इसको अपन सॉल्व करते हैं इसके लिए मुझे पल्स इक्वेशन पल्स वे बनानी पड़ेगी तो ये अपने पास पल्स की इक्वेशन है

लेट ये एंगल यदि मैं लेता हूँ कॉमन ये आपको टोटल गिवन है दैट इज हंड्रेड ये डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज फिफ्टी सो आई कैन राइट हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी इज टू ये कितना है एट क्योंकि एट इज अगर सिक्सटीन बनेगा एट डिवाइड बाई एक्स सो अपने पास एक्स का वैल्यू आ गया सिक्सटीन ओके नाउ टाइम का जो आएगा फॉर्मूला दैट इज एटीन प्लस x दैट इज योर 16 divided by velocity, velocity आपको गिवन है सो so, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी वन इंटेंटी वन minus टू ठीक है और नेक्स्ट पूछा है is इज द force? फोर्स फोर्स का फॉर्मूला होता है p इंटू एरिया आपको देखना है प्रेशर maximum कितना हो रहा है तो maximum प्रेशर हो जाएगा 200 हंड्रेड इंटू एरिया ठीक है इंटू टू देगा तो एरिया हो जाएगा फोर तो आंसर हो जाएगा एट हंड्रेड तो ये पैराग्राफ सेकंड पेरेग्राफ सेवर चलते नेक्स्ट सेक्शन बी इसमें मोर देन टू सही है फर्स्ट पैराग्राफ सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ए ट्रायंगुलर वेव पल्स ऑन द टोर्ट स्ट्रिंग ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड वी टेंशन इन दिंग लीनियर मासन दे रखी है उसको आपको ड्रॉ करना है एंड देन टू चूज द करेक्ट ऑप्शन उसके लिए मैं इसका पल्स का डाइग्राम बनाता हूं आपको पल्स की इक्वेशन ऐसे दे रखी है वाई इक्वल टू जीरो वेन एक्स इज लेस देन माइनस एल दूसरा ध्यान है एच प्लस एच एक्स बाई एल वेन माइनस एल से लेकर एक्स इज लेस देन जीरो एंड नेक्स्ट गिवन है वाई इक्वल टू एच माइनस एच एक्स बाई एल वैन एक्स

और ये इसकी हाइट है ठीक है अब जब मुझे इस इक्वेशन को किसी टाइम पर लिखना है तो यदि मैं टाइम पर लिखूंगा किसी टाइम टी पर तो अपन को पता है कि जो पल्स है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो है v सो तो ये यहां से ट्रेवल कर जाएगी v इंटू टी तो बेसिकली यहां पर क्या चेंज आ जाएगा जहां जहां पर x है वहां लिखूंगा मैं x को x माइनस वी टी तो मैं यहां पर लिख लेता हूं माइनस वी टी क्योंकि ट्रेवल पॉजिटिव में कर रही है यहां पर भी माइनस वीटी माइनस वीटी तो ये सब जगह माइनस वीटी माइनस वीटी हो जाएगा ठीक है ये सब जगह हो जाएगा जहां जहां पर एक्स है वहां लिखूंगा एक्स माइनस वीटी ये लिखने का मेथड है अब आपको पूछा पावर का देखो पावर के लिए आपको कुछ नहीं करना है ये आपको जनरल किसी टाइम पर दे रखा है तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू माइनस एफ डी वाई बाई डी टी वो तो वेलोसिटी आपको बताइए इंटू डी वाई बाई डी एक्स ठीक है dx, तो ये तो है पावर का फॉर्मूला आ गया अपने पास माइनस एफ ठीक है डी वाई बाई डी टी आपको पास ये y दे रखा है एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है जैसे मैं इसको करके बताता हूँ इसका तो जीरो हो जाएगा इसको यदि मैं करता हूँ डी वाई बाई डी टी तो मैं डी वाई बाई डी टी करूँगा तो कितना आ जाएगा ये तो आ जाएगा जीरो क्योंकि मुझे टी के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस एच बाई एल इंटू वी ठीक है और एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा एच बाई एल तो अपने पास उस केस के अंदर पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर रिप्लेस करूंगा तो एक बार तो आएगा माइनस एच बाई एल वी तो देखो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा मेरे पास माइनस एफ इसके जगह क्या है माइनस एच बाई एल और ये है एच बाई एल तो ये प्लस हो जाएगा ये ये हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इंटू वी ठीक है तो ये आपको ऑप्शन रहा है। जैसे देखो मैंने बोला था रिप्लेस करने को मैं से रिप्लेस करूंगा तो इसका आंसर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट मास मूविंग मास यूनिट गिवन है मतलब वन के का मास है इन द वन डायरेक्शन वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड यू गिवन है तो यहां से मेरे पास एफ आ जाएगा दैट इज माइनस डी यू बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है पहला है द बॉडी विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट टी इक्वल टू एक्स इजल टू टू देखो कहाँ करेगा जहाँ पर ये जीरो आ जाएगा टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू टू तो ये राइट हो गया बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेटरी नहीं एस एस एम करेगा बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है बॉडी विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम टू देखो यहाँ पर बहुत ईजी है मेरे पास ये फोर्स आ गया तो दैट इज होता है एम ए एम दे रहा है वन के जी तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर ये अपने पास आ गया ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो ये ओमेगा आ गया अब वेलोसिटी होता है ए ओमेगा तो ये अपना नेक्स्ट वाला ठीक है तो इसका आंसर वन सेक सॉरी वन थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है

अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर देखो आपको फर्स्ट पॉइंट पीज फिक्स ए पी और पी बी मतलब डाइग्राम आपको दिख रहा होगा ये जो है एल वन और ये है एल टू सो बेसिकली एल वन डिवाइड बाय एल टू का जो रेशियो है वो है ठीक है आप इसको सॉल्व करोगे तो एल वन आ जाएगा वन डिवाइड बाई फाइव इंटू एल ठीक है तो एल बाई फाइव इसकी लेंथ आ गई अब यदि इसको फंडामेंटल के अंदर डाला जाए तो देखो फंडामेंटल फर्स्ट पार्ट के अंदर फंडामेंटल का क्या होगी फंडामेंटल क्यों बिकॉज मिनिमम पूछा है तो वो आएगा वी डिवाइड बाई टू एल वन नो वी टू एल वन किसी कितना दे है थाउजेंड तो आंसर आ जाएगा फाइव थाउजेंड ठीक है तो यह इसका आंसर राइट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड

तो ये भी राइट है इफ द फिक्स पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो वन बाई टेंशन नीडेड टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट एट वन किलो अर्ट विल बी थ्री टी ये बोला है कि इसको वन और थ्री के रेशियो में लेकर आए देखो वन और थ्री के लेकर आएंगे तो क्या आएगा देखो एल वन डिवाइड बाई एल टू इज गल टू वन डिवाइड बाई टू तो एल वन आ जाएगा बेसिकली वन बाई थ्री तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो आएगी थ्री ऑफ एफ नॉट ठीक है अब बेसिकली अपन को फ्रीक्वेंसी चाहिए थ्री टाइम तो फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टी तो टेंशन चाहिए नाइन टाइम तो ये रॉन्ग हो गया ठीक है फोर्थ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वो सोनोमीटर वायर पी डिवाइड ए बी इन द रेशो ए बी विल बी द सेम एज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पी डिड ए बी इन बी 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 द रेशो बी ए तो ये तो सिंपल सा बोला है कि चाहे आप ये तो अभी आपको समझ में आएगा होगा कि यदि मैं इधर ए लिखूं और इधर बी लिखूं और यदि मैं इधर बी लिखूं और इधर ए लिखूं तो वो तो सेम ही रहेगा बिकॉज ए बाई बी का रेशियो जो है वो जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा बाकी कुछ होना नहीं है ठीक है तो ये भी राइट है तो दैट इज योर थर्ड आंसर नेक्स्ट फोर्थ इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट द क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथेंटी सेंटीमीटर इज यूज इनिशियली इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद It इट इज वाइब्रेटेड the tuning ऑफ of थ्री फोर्टी hertz टू अचीव रेजिडेंस इन द वॉटर लेवल इज लोअर देन देखो ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक ट्यूब है ट्यूब है और इसकी जो लेंथ है वो है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है और ये वाटर से फुल फ्री हुई है आ, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है थ्री फोर्टी और वेलोसिटी भी है थ्री फोर्टी तो बेसिकली वेवलेंथ आ गया वन मीटर तो आपको बताया कि वाटर का पहला लेवल कम करेंगे तो ये आएगा लेमडा बाई फोर लेकिन ये है वाटर का लेवल दैट इज पॉइंट टू फाइव तो वाटर हो जाएगा इतना ठीक है इन्होंने पहला ऑप्शन बोला मिनिमम लेंथ ऑफ द वाटर मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर तो ये तो मिनिमम है नहीं अगली क्या होगी थ्री एल बाई फोर तो इसका थ्री बाई तो ये ट्वेंटी फाइव ये मीटर मिलेगा ये ट्वेंटी तो आएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो अब देखो पहले में आएगा ट्वेंटी फाइव अगले में आएगा थ्री टाइम ऑफ ट्वेंटी फाइव दट इज सेवेंटी फाइव और अगले में आएगा वन ट्वेंटी फाइव क्योंकि फाइव टाइम ऑफ ट्वेंटी फाइव अब बेसिकली अपनी ट्यूब ही कितनी है अपनी ट्यूब ओनली वन ट्वेंटी है तो वो तो नहीं हो पाएगा लेकिन यहां तक होगा कि वाटर को यहां तक फिल करना पड़ेगा ये 125, 120 में से इसको हटा दो तो ये मिनिमम आ जाएगा वाटर का लेवल ठीक है तो ये मिनिमम आ गया 45 डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस नोड तो लेमडा बाई टू आंसर फिफ्टी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम आ गया 125 ट्वेंटी ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम ओके okay. ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन फील्ड एट द पॉइंट इट इज पॉसिबल टू है सब पॉसिबल है ए भी पॉसिबल है ई भी पॉसिबल है बहुत सारी जगह हो सकता है ठीक है जहां वी जीरो बिकॉज अपने पास रिलेशन एक्चुअली ये होता है ई इज गाइनस डी वी बाई डी आर ये रिलेशन होता है तो डी वी जीरो तब की बात है वी तो कॉन्स्टेंट हो सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ऑल इज पॉसिबल नेक्स्ट ए ओरिजिनल प्लेटफॉर्म विद द मास प्लेस्ड ऑन इट्स ऑन इट्स इज एक्जीक्यूटिंग एक्सएसएम ऑफ द ऑसेलेसन इज ऑफ पॉइंट फाइव इज़ 2.5, पॉइंट 2.5 दे रखा सेंटीमीटर एंड मास जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म एट दाइस्ट पॉइंट हाइस्ट पॉइंट पर लीव करता है तो आपको पता है कॉन्टेक्ट तब तो लूज करेगा जब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो उस केस के अंदर एक्सेरेशन कितना हो जाएगा जी एक्सेशन का फॉर्मूला कितना, का कितना, का कितना, का कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए इज टू जी आंसर आ जाएगा, ठीक है तो अब अपन चलते हैं सेक्शन डी पर सेक्शन डी ए ब्लॉक ऑफ मास टेन के जी सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ वायर ए बी उज लीनियर मास डेंसिटी गिवन है देयर इज पॉइंट सी ऑन द वायर सच दैट सी इज नोड तो मैं इसका डायग्राम यहां पर बना लेता हूँ जो सी है वो है ये है अपने पास सी जो कि नोड है और ये अपने पास है बी ठीक है ये आपको दे रखा है वन मीटर और ये दे रखा है टू पॉइंट फाइव मीटर मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी ऑफ द टूनिंग फॉर इज एप नॉट देन एप नॉट बाई के आपको देखो यहां पर आपको दे रखा है कि मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है अब ये तो अपन को एज्यूम करना ही पड़ेगा कि यहाँ और यहाँ जो है दोनों का रेशियो जो है वो सेम रहेगा मतलब यदि यहाँ पर फंडामेंटल अपन एप तो यहाँ आएगा एन एप नॉट तो यहाँ आएगा एप एप नॉट क्यों क्योंकि लूप बनना है यदि यहां पर ऐसे लूप बन गया दो तो यहां पर भी लूप बनेगा ऐसे ये भी नोड है ये भी पॉइंट है वो भी नोड बनेगा तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर इतनी इतने नोट बनते हैं तो यहां पर बनते हैं m ठीक है आपको लिनियर मास डेंसिटी दे रखी है t दे रखा है तो पहली बात अपने पास आ गया n m नॉट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है v डिवाइड बाय 2l तो f1 डिवाइड बाय f2 इज इक्वल टू l2 डिवाइड बाय l1 ठीक है अब देखो एफ वन को मैं मान रहा हूं एन एफ नॉट क्योंकि एक किसी के साथ वाइब्रेट करेगा करेगा ये यहां आ जाएगा एम एम नॉट इज इक्वल टू जो एफ वन है उसके लिए एल इसके लिए लेंथ है ये तो वन और इसके लिए है टू पॉइंट फाइव इसको मैं लिख सकता हूं फाइव बाई टू तो बेसिकली एन डिवाइड बाई एम का जो रेशियो आ गया वो आ गया फाइव बाई ठीक है तो एन इज करस्पॉन्डिंग टू फाइव ओके तो एन आ गया अपने पास फाइव और एम आ गया अपने पास नेक्स्ट सेक्शन डी ए ब्लॉक ऑफ मास मास मासन केज इज सस्पेंडेड विद्प ऑफ द वायर ए बी हुर मास डेंसिटी इज गिवन देर इज अ पॉइंट सी ऑन द वायर सच दैट ए सी इज वन मीटर एंड बी सी टू पॉइंट फाइव इट ट्यूनिंग फोर इज यूज टू वाइब्रेट द वायर देखो तो ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की इक्वल रहनी है हाँ मोड अलग अलग हो सकते हैं एसी लेंथ है वन मीटर बी है टू पॉइंट फाइव ए ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज टू वाइब्रेट द वायर सच दैट पॉइंट सी इज द नोड सी इज द नोड फाइंड द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एफ नॉट ओके तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं अब आपको गिवन है यह ए ये सी और ये बी अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर एन लूप बनते हैं तो एन लेमडा बाई टू इज टू वन क्योंकि वन मीटर दे रखा है और अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर एम लूप बनते हैं तो एम लेमडा बाई टू इज टू टू पॉइंट फाइव ये आपको सिंपल सा है इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो एन डिवाइड बाई एम इज वन डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव इसको ले सकते हो आप टेन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव ट इज टू डिवाइड बाई फाइव मतलब टू बाई फाइव आ सकता है फोर बाई टेन आ सकता है सिक्स बाई फिफ्टीन आ सकता है तो बेसिकली एन का जो मिनिमम से मिनिमम वेलो कितना आ सकता है टू सो एन इज टू और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा ये दूसरे मोड में तो two F that is two, है तो टू एफ नॉट दैट इज टू इसका फॉर्मूला होता है वी डिवाइड बाई लैमडा को गिवन है यहां से एन टू पता चल गया तो टू लैम्डा बाई टू इज टू वन तो लैम्डा का वैल्यू आ गया वन तो लैम्डा इज इक्वल टू वन वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है दैट इज टी डिवाइड बाई म्यू सॉल्व करो आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट A travelling wave of the amplitude 5 ampere is partially reflected from the boundary with the amplitude 3. Due to superposition of the two wave with the different amplitude in the opposite direction, wave pattern is formed. Determine the ratio of the amplitude at the antinode to node. The anti node or node. Anti node the maximum. So basically, A max divided by A minimum is equal to A1 plus A2 A1 minus.

मैं इसमें देख लूंगा नेक्स्ट आगे पेज बढ़ते हैं एक टनल है और यहां जो वेलोसिटी दी है ये वेलोसिटी आपको दी है रूट ऑफ जी आर ठीक है तो यहां पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी तो मुझे वेलोसिटी वी नॉट फाइंड करनी है देखो मुझे वेलोसिटी वी क्यू नॉट फाइंड करनी है बिकॉज फाइनली मैं लिखूंगा वी इज नॉट कॉस ओमेगा टी ठीक है कि यहां पर आने का मुझे कितना टाइम लगेगा ओमेगा के बारे में ऑलरेडी अपन को पता है बट ठीक है तो वी नॉट कितना है ये देखो जितना टाइम आने का लगेगा उतना ही टाइम जाने का लगेगा तो मैं एजुम कर रहा हूं कि पार्टिकल को यहां से फेंका तो टाइम जाने में उसको कितना लगेगा वो वाला ठीक है तो देखो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं सबसे पहले हाफ एम वी दैट इज तो जी आर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी एम एम डिवाइड बाई आर सेंटर पर आएगा तो कितनी आएगी हाफ एम वी नोट का स्कॉर माइनस थ्री बाई टू जी एम एम डिवाइड बाई आर जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी टू जी आर ठीक है तो ये मेरे पास वेलोसिटी है ये टी इक्वल टू जीरो पर फेंका है यहां पर और ये वेलोसिटी इतनी होगी टू किसी टाइम पर वेलोसिटी तो मेरे पास आ गया वी नॉट कॉस ओमेगा टी इज गोल टू रूट ऑफ जी आर ये अपने पास वी नॉट है नाउ इसको आप सॉल्व कर दो आपके पास टाइम ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा नेक्स्ट और ये जो इसका ओमेगा होता है ये शायद आपको पता होगा ओमेगा मैं बता देता हूँ ओमेगा का आपको फॉर्मूला है दैट इज टू पाई आर बाई जी जब वो सिलेक्ट करता है तब क्वेश्चन नंबर फोर्थ द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द प्लानिट इज रो वन एंड दैट ऑफ आउटर सेल इज रो टू द रेडियस ऑफ द कोर एंड दैट ऑफ द प्लानिट आर आर एंड टू आर ये बोलना चाह रहा है कि ये जो है इसकी रेडियस है आर और इसके बाहर एक रेडियस है टू आर इन दोनों की यहाँ की डेंसिटी है रो और यहाँ की डेंसिटी है रो टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लानट इज सेम एज दैट ऑफ डेप्थ आर ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो जी है अब यहाँ का जी क्या आएगा जी एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई टू आर क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितनी है टू आर का स्क्वायर वो इसके बराबर है अब यहाँ का जी कितना आएगा यहाँ का जी आएगा सिर्फ इसके अंदर वाले कारण तो दैट इज जी M1 रेडियस का स्क्वायर ठीक है दो तो ये कट गया यहाँ से यहाँ आर स्क्वायर से ये कट जाएगा बस एम वन को तो आपको लिखना है रो वन फोर अपॉन थ्री पाई आर का क्यूब और एम टू को जरूर थोड़ा ध्यान से लिखना है दैट इज रो टू फोर अपन थ्री पाई टू आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब ठीक है सो तो ये हो गया इसका फोर्थ का सॉल्व करना आगे, आगे जा, next. Next question, आ जाए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज ऑसिलेटिंग विद द एंगुलर एम्बलीट्यूड जीरो पॉइंट फोर रेडियन मतलब आपके पास जो एंगुलर रेडियन दे रखा है वो है आपके पास जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन वेन दॉबी जर द मोमेंट्री रेस्ट रेस्ट मतलब ये बोल रहा है कि एक्सट्रीम पोजिशन तो उस समय जो एक्सेलरेशन रहता है वो रहता है मैक्सिमम दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू नॉट टी इज क्या होता है टू पाई एल बाई जी वो होता है टू पाई डिवाइड बाई ओमेगा ठीक है सॉल्व कर लेना यू विल गेट योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ए यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास एम स्टे ऑरिजेंटली एंड सीमेट्रिकली ऑन द टू व्हील रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन द सेपरेशन बिटवीन द व्हील इज एल द फ्रिक्शन कॉपिशन बिटवीन इच व्हील एंड द प्लेट इज म्यू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसलेसन इन द सेकेंड ऑफ द प्लान सॉरी प्लेट इफ द स्लेट इन डिसप्लेस एलोंग देंथ एंड रिलीज देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इसको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ बेसिकली क्या है ये ऐसे है पहले क्या है कि एक्चुअली ये दोनों बीच में है जैसे आप सपोज अपन मान रहे कि ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा ऐसे और इधर फ्रिक्शन लगेगा ऐसे इस केस में इनिशियल गैस के अंदर दोनों एन बराबर रहेंगे ये एन वन और एन टू बिकॉज सेंट्रो मास की पोजिशन पर है तो ये दोनों फ्रिक्शन बराबर रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है अब बेसिकली क्या किया है कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है मतलब सेंट्रो मास को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो लेट ये अपने पास सिचुएशन ऐसे आ गई तो ये अपने पास आ गया एन वन सेंट्रो मास अब यहां पर आ गया सेंट्रो मास को मैंने डिस्प्लेस किया यहां पर एक्स तो ये अपने पास एम जी इधर आ गया और ये अपने पास एन टू इधर आ गया ठीक है तो एक यहां पर आएगा एन वन प्लस एन टू इज गल टू एम जीवेशन नंबर वन दूसरा अपन यदि टॉर्क बैलेंस करें किसी के अबाउट क्योंकि ये रोटेट तो हो नहीं रहा है मतलब ऐसे टॉर्क तो हो नहीं रहा है तो टॉर्क अबाउट ए इजक्ल टू जीरो तो यहां पर करेंगे तो मेरे पास आएगा एन टू डिस्टेंस इसके बीच की जो एल है क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस एल ही है इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू माइनस एक्स तो ये मेरे पास आएगा बेसिकली एन टू दैट इज एम जी डिवाइड बाई एल एल बाई टू माइनस एक्स ऐसे मेरे पास एन वन आ जाएगा वो आएगा एम जी डिवाइड बाई एल एल बाई टू प्लस एक्स ठीक है इसका मतलब अब मेरे जो फ्रिक्शन है वो चेंज हो गए ये एफ वन और ये एफ टू नो क्या आएगा देखो एफ वन माइनस एफ टू इजल टू एम इन टू ए अब आप इसको सॉल्व कर लेना उसका आ जाएगा एफ वन कितना है इसको मैसेज लिख लेता हूँ म्यू एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू एम ए Okay. जब इसको सोल्व करोगे तो इसके पास आपको आंसर आ जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट ए सिंपल इज टेकन एट द प्लेस वेयर द वेयर अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट द टाइम रीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज थ्री मीटर देखो यहाँ तो कुछ नहीं है टी इज पाई एल इफेक्टिव ठीक है दे है जी इफेक्टिव कितना होता है कहां पर लेकर गए जी वन प्लस एच बाई आर का स्क्वायर ठीक है सॉल्व करना यू विल गेट योर आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट ए पार्टिकल ऑफ मास वन केज इज मूविंग इन द पोटेंशियल एनर्जी यू सोन बिलो The of the of the, when is there, total 20 आपको देखो, 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 देखो फोर्स का वैल्यू कितना फोर्स आएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स तो ये तो आ जाएगा के एक्स तो मतलब इस वाले पोर्शन में तो वो करेगा ऑसिलेशन ठीक है और यहां पर जो फोर्स है वो आ रहा है कॉन्स्टेंट वो एफ आ रहा है बेसिकली एम जी तो ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जी से मूव करेगा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो बेसिकली आप इसको मैं यदि कंपेयर कर ऐसे कर सकते हो कि स्प्रिंग मास सिस्टम है और एक ब्लॉक है वो यहां से आता है हाइट एच मान लेता हूँ मैं यहां से तो हाइट एच तो यहां आने का टाइम लगेगा इसको टी इजल टू टू एच बाई जी ये टी तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन और अच्छा इसको यहाँ से आने का टाइम इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज टी बाई फोर तो इसका जो सिस्टम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा वो आएगा टू टी प्लस टू टी बाई फोर ठीक है एच इजली फाइन करेंगे आपको एनर्जी गिवन है ट्वेंटी तो ट्वेंटी इज इक्वल टू एम जी एच ये एच आ जाएगा इसको पुट कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा ओके okay, तो इसके साथ ही सॉल्यूशन खत्म हुआ थैंक यू जय सी